बहुत ही गंदे और थर्ड क्लास डब्बे में आया है। ऋतिक रोशन जी प्लीज देख लीजिए आपके ब्रांड का क्या हाल हो रहा है। इतने पता क्या है, अंदर फटा हुआ डब्बा किसी और का, बाहर से कोई और। वाह ऋतिक रोशन जी वाह। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और काफी पॉजिटिव हैं। मेरी आवाज के लिए मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, इसलिए काफी भारी हो रखी है। इसीलिए मैं आराम से हीटर के आगे बैठ के आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है प्रेरणा। क्या क्या चीजें, क्या क्या धूम मचा रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए आप मेरी इस बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी का हिस्सा अवश्य बनिएगा। नीचे एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मेरी किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये जर्नी पसंद आती है, मैं पसंद आती हूँ, मेरा परिवार पसंद आता है, तो प्लीज हमें अप्रिशिएट अवश्य कीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉमेंट्स एंड लाइक्स। तो आज की वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, टाइटल में पढ़ चुके होंगे, मैं एक व्लॉग कर रही हूँ, एक हॉल कर रही हूँ, मिंत्रा हॉल। मैंने मिंत्रा से काफी सारा सामान मंगाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने काफी पहले मंगाया था, जो कि मैं भूल चुकी हूँ क्या क्या है। बस मुझे इतना याद है कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए, वेग जी के लिए काफी सारा सामान मंगाया था। उस उद्देश्य से मैंने शॉपिंग शुरू की थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि शॉपिंग करते करते हम लेफ्ट राइट हो जाते हैं, तो बस वही लेफ्ट राइट चीजें भी मैंने ऑर्डर करी होंगी आई एम श्योर। तो वो सब मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। सभी चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेफिनेटली अपने लिए भी चेकआउट कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने अमेजोन से भी सामान मंगाया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि दोनों चीजें एक ही में आ जाए। अगर नहीं होगा तो मैं दो अलग अलग हॉल्स बनाऊंगी, अमेजोन हॉल अलग, मिंत्रा हॉल अलग। सो गेट रेडी टू सी मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो सबसे पहली चीज जो मैं ओपन कर रही हूँ वो ये है, मैं रैंडम ऑर्डर में खोल रही हूँ जो मुझे जैसा दिख रहा है। एंड दिस इज मिंत्रा ने इस बारी सारा का सारा पैकेजिंग पेपर बैग्स में दिया है, विच आई लव, विच इज लाइक अमेजिंग, वेरी गुड। ओके, तो ये है ऋतिक रोशन। देखिए HRX का, मैंने मोस्टली सामान वेग जी का HRX से ही मंगाया था बिकॉज मुझे वो पसंद आए थे। वेग जी एक्चुअली काफी ज्यादा आजकल रनिंग कर रहे हैं, ही इज लूजिंग वेट, तो लेट्स सी हम दोनों में कॉम्पिटिशन है कौन पहले लूज करता है। आई एम प्रीटी श्योर वो जीत जाएंगे बिकॉज वो रन करते हैं, आई डोंट रन। तो ये है वेग जी का ट्रैक पैंट जो मैंने ऑर्डर किया है। आई हैव नो आइडिया हाउ टू शो इट, जो पिक्चर होगी ऐप से वो मैं यहाँ दिखा दूंगी। और ये है वेग जी का पहला ट्रैक पैंट, काफी अच्छी क्वालिटी है, नहीं बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड अंदर से भी काफी अच्छा, सी नाइस ट्रैक पैंट। तो ये है पहली परचेज ऑफ माइन वेग जी का ट्रैक पैंट, काफी अच्छा है, लोगो एंड एवरीथिंग, रैपिड ड्राई, रैपिड की है सारी। अगर वेग जी पहनकर दिखा देंगे प्लीज तो मैं फोटो क्लिक करके वो फोटो भी यहाँ पे लगा दूंगी और आप देख सकते हैं। आई लव द क्वालिटी एंड काफी सारी तारीफें थी इसकी, इसीलिए मैंने ऑर्डर भी किया। तो सेकेंड प्रोडक्ट है, सीधा उठाती एंड दिस इज योर सेंसिबल एंड सस्टेनेबल इनर एंड इनर एसेंस। शायद मैंने कुछ ओके, सो दिस इज एक्सटेंडर्स जो कि आप अपनी ड्रेसेस के लिए, ब्रास के लिए वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये दो कलर में, मतलब तीन कलर में, दो दो ईच आए हैं, तो ये छह पीसेज आए हैं। प्राइस जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। तो येस आई हैव ऑर्डर दीज एंड दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी। मैं सोच रही थी, स्केप्टिकल थी, पता नहीं कैसी आती है, पर बहुत अच्छी क्वालिटी है, नाइस। तो ये मैं इसी में रख के यहाँ रख देती हूँ। द सेकेंड प्रोडक्ट नेक्स्ट इज योर सब पेपर बैग में देखो, विच इज वेरी नाइस एंड दिस इज, मुझे डर लगता है खोलते हुए कि कुछ उटपटांग चीज नहीं मंगाई हो मैंने, जो मैं करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज अ ज्वेलरी, ओके, ये मैंने बालों की एक्सेसरी ऐसी रैंडम एज इफ आई रिक्वायर एनीथिंग, पर हाँ ये कोम स्टाइल ना मेरा एक था फ्लावर वाला, वो टूट गया तो मैंने ये मंगाया। तीन है एक्चुअली, ऐसे चार है एक्चुअली, हाँ चार है, अच्छे लग रहे हैं ना वैसे, पर ये कि हाँ कंघी करो, मैंने कंघी नहीं कर रखी आज, ऐसे करके और ऐसे डाल दो काइंड ऑफ, है ना, अच्छा लग रहा था मुझे। लेट्स सी आई विल यूज इट एंड टेल यू कैसा है, अच्छा ही होगा।
पर ये क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंघी कर सकते हो उससे, बट हाँ कंघी करके एंड देन यू कैन यूज दिस। पर मैंने सोचा था कंघी करने के पर्पज से, बट इट्स ओके, नाइस। एडिंग टू द हेयर एक्सेसरीज, तो ये हो गया। प्राइस जो भी होगा स्क्रीन पे दिखेगा। दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज योर ये भी वेग जी का, ये था मैंने बोला वेग जी के लिए शॉपिंग है और दो प्रोडक्ट अपने ही निकले। शू बैग लग रहा है तो वेग जी के शूज ही होंगे, मैंने शूज भी मंगाए थे उनके, क्योंकि रनिंग करने के लिए उनके पास एक ही शूज है, वन पेयर ऑफ शूज, तो ये दूसरे हो जाएंगे। ये वो नहीं है सॉरी। ये मैंने वेग जी के लिए मंगाया। देखिए वेग जी के पास काफी सुंदर शूज कलेक्शन है, जॉर्डन्स वगैरह काफी है, और अभी ये कहीं गए थे तो बारिश में गंदे करके ले आए अपने शूज, तो मैंने ये मंगाया। दिस इज लाइक आपका शू साइज जो भी है, मतलब शू साइज ऑब्वियसली जो आपका है उससे एक साइज बड़ा आपको मंगाना है। और ये आप पानी में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, जस्ट ओपन इट लाइक सो, और उसके बाद शूज के ऊपर ही आप इसको पहन लोगे तो वो रेन से प्रोटेक्टेड रहेंगे। नाइस नो, इतने स्मार्ट भी लग रहे हैं, पता है शूज ही लग रहे हैं लिटरली, ऐसा सा है। तो ये मैंने मंगाया है, प्राइस जो भी होगा आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो दिस इज द फोर्थ प्रोडक्ट वेग जी के। ओवर कोट होता है, ऐसे ओवर शूज है ये। नेक्स्ट इज योर ये क्या है? ओ वाह, पीटर इंग्लैंड का कॉम्प्लीमेंट्री डायरी भी आई है सॉक्स के साथ। ये जो कट्स लग रहे होंगे ना बीच में, वो मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही है। तो पीटर इंग्लैंड और एलन सोली की मैंने वेग जी के लिए तीन तीन सॉक्स मंगाई है, तो ये आ गई है। वेग जी के पास सॉक्स है बहुत सारी है, बट द पॉइंट इज पता नहीं धोने के बाद एक गायब कैसे जाती है, फिर वो बाद में मिलती है, जब चाहिए होती है तब मिलती है, दैट्स व्हाई। सो नेक्स्ट इज योर आई डोंट नो और सॉक्स। जी हाँ, हम छह पे क्यों रुके, मैंने तीन और मंगाई हैं। दिस इज बैलेंसिया की कॉम्ब कॉटन, अच्छी लग रही है वैसे तो, पर बहुत लंबी लग रही है, पता नहीं पहनते हैं नहीं पहनते, वो भी लंबी है वैसे तो, बट यस ठीक है। ये हो गया एक और सॉक्स। नेक्स्ट मास्टर हार्बर की तीन और सॉक्स, एक दो तीन चार, 12 सॉक्स हो गया वेग जी के पास। नाउ ही कैन नॉट कंप्लेन, उनके पास सॉक्स नहीं है। वैसे इन्हें एंकल सॉक्स पसंद है, मैंने सारी लंबी मंगा दी है शायद, नहीं ये एंकल सॉक्स है शायद और वो तीनों वो, चलो ठीक है कुछ तो बेट डिफरेंट है। प्राइजेस सब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, सेविंग टाइम। नेक्स्ट इज योर तीन मास्क मंगाए मैंने, ये वेग जी के मास्क हैं, वो बोलते हैं मतलब हमारे घर में जितने भी हैं वो मोस्टली, पता है कौन से, आप लोग हंसोगे, मैंने जितने भी सूट स्टिच कराए ना उनके साथ आजकल दे रहे हैं ना मास्क भी साथ में स्टिच करके, तो वेग जी भी वही यूज कर रहे थे, तो ही वाज लाइक क्या है ढंग से में हो, मतलब उन वो जो लेके आते हैं अपने लिए, वुडलैंड के लाए थे और वो कौन सा है एनमोर के लाए थे, वो सब मैं यूज कर रही थी, मेरे सूट वाले फिर उनके लिए बचते हैं, तो इस वजह से ये वेग जी के लिए मंगाया। नेक्स्ट इज योर, मुझे ये बहुत पसंद आया था लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी लग नहीं रही है जितनी वहां पर थी, 1345 और काफी छोटा लग रहा है, ये है तो ठीक, छोटा लग रहा है वैसे, चलिए देखते हैं वापस कर देंगे, पर ये पुराना सा क्यों लग रहा है, फ्रेश तो देते शायद, आई रिटर्न दिस, लेट्स सी। ये था ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट इज योर, दिस इज फिरोज, ऐसा मेरे पास पर्ल का है, आप सबने देखा है वीडियोज में, वाइट पर्ल का, ऐसे ये गोल्डन में था,
तो मैंने ये गोल्डन मंगाया। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही यार। नाइस नो, ये अच्छा लग रहा है, ये ठीक है। पता है अभी मैं एक पार्टी में गई थी और मैंने यही वाला हेडबैंड ना ऐसे हेयर स्टाइल बना के ऐसे लगा लिया, एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल। आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत मस्त लगेगा। तो ये भी है। सो नेक्स्ट इज योर, जितने भी कट्स लगे हैं ये मेरे को बीच बीच में खांसी आ रही है, ओके सो प्लीज डोंट माइंड। ओह, ये मैंने बचपन में, मेरे को इतना शौक था, बीड्स बोलते थे मैंने, बीड्स बालों में लगाने के लिए। मैं किसी दिन हेयर स्टाइल बना के और फिर आपको दिखाऊंगी, वीडियो में दिख जाएगा आपको। किसी दिन मुझे बस फ्री टाइम चाहिए और उस दिन मैं आराम से मस्त बीड्स लगाऊंगी। अच्छा लगता है बचपन के दिन, आई डोंट नो अब उतना अच्छा बनेगा नहीं, बट यस आई विल ट्राई। और नेक्स्ट है ये कि आपने देखा होगा ये टूल्स होते हैं प्लास्टिक के, लेकिन मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ कि कहीं पे मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। ये वैसे ही एकदम नॉर्मल यू नो प्लास्टिक टाइप के, गंदे से। मैं 3-4 बार मंगा चुकी हूँ और हर बार गंदी क्वालिटी के आ रहे हैं, पर मैं फिर भी पहले मैं सोचती हूँ अब नहीं मंगाऊंगी, बहुत हो गया, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसीलिए मैं उम्मीद पे ही। ये देखिए बहुत ही बुरा क्वालिटी है, ऐसा सा है, वैसे ऐसा ही होता है, इसका यूजेज जो है ना वो ऐसा ही होता है, बट थोड़ा सा आप देखिए ना, मतलब टेढ़ा वायर एंड एवरीथिंग, इस वजह से। सो ठीक है, व्हाटएवर, दिस इज इट, यूज नहीं होने वाला है। नाउ इज द बड़ा वाला बॉक्स, होपफुली ये वेट की कॉपी सारे तो मेरे निकल गए। ओके, दिस इज योर कैप, कैप नहीं मंगाई मैंने, ये मंगाई होगी, वेट जी को कैप का बहुत शौक है। अच्छा लग रहा है ना, मैं भी पहन सकती हूँ। तो एक तो ये कैप है वेट जी की, ओ अच्छा मेरे को याद आ गया, वेट जी का ऐसा ट्रैक पैंट है, इस वजह से मंगाई होगी मैंने, ये है एक। ओके, नेक्स्ट इज योर, ये है वेक जी के अंडरवेयर, जिसको देखने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, तो ये भी HRX के थे, बस इसीलिए मंगाए, देखते हैं कैसा होता है। ऐसे तो बेस्ट बताओ कौन सा है, मैं भूल गई उसका नाम, बाबू वेक जी के ग्रीव्स मैंने मंगाए थे, रैंडम, कोई ब्रांड ब्रांड नहीं है, ऐसी लोकल है, क्या बढ़िया क्वालिटी के निकले हैं वो, मारेंगे वेक जी, क्या बातें कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये हो गया, नेक्स्ट इज योर, अच्छा पूरा ही HRX है इसलिए, ओ तभी मैं बोलूं। नेक्स्ट है आपका ये, जो कि है एक और पजामा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे याद आ गया, ये ना मैं पिक्चर दिखाऊंगी साइड में आपको, इसकी इतनी स्टाइलिश लगता है ये पहन के, अगर वेक जी ने पहन के दिखाया तो मैं वो वाली पिक्चर भी लगा दूंगी। और थोड़े से एक्सपेंसिव है HRX के, लेकिन ना मैं देखना चाहती थी क्वालिटी कैसी है, हमें ऐसे ही नहीं बोल सकते ना रैंडमली बोरा एंड स्टफ, तो अच्छा लग रहा है अभी तक तो, पर धुल के पता चलता है इन चीजों का तो। बट यस, अभी इसके लिए आई लाइक द एंटायर डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो एक पजामा पहले वो था ड्राई फिट वाला, ये नॉर्मल फिट है, कॉटन का कपड़ा टाइप है, ठीक है। ये नेक्स्ट इज योर, बहुत ही गंदे और थर्ड क्लास डब्बे में आया है, ऋतिक रोशन जी प्लीज देख लीजिए आपके ब्रांड का क्या हाल हो रहा है, बहुत ही बुरा। तो ये है वेक जी के शूज जो मैंने उनके दौड़ने के लिए मंगाए हैं, विच इज लुकिंग वेरी नाइस एक्चुअली। तो वेक जी के पास ये कलर नहीं था, अच्छा है ना, मस्त लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं वेक जी को अच्छा लगता है नहीं, तो मैं तो मंगा देती हूँ, उसके बाद क्या वापस करा देंगे ना, यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, करा दो। पर डब्बा प्लीज, ये मैं ऋतिक रोशन को दिखाने वाली हूँ, टैग करने वाली हूँ ट्विटर पे, ऋतिक रोशन योर ब्रांड। नेक्स्ट इज योर लास्ट इस पूरे वीडियो का, अगर ये छोटी तो नहीं हुई है सॉरी, तो पर ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाइट, वेक जी को व्हाइट शूज इतने पसंद है भैया, 3-4 शूज है व्हाइट, लेकिन फिर भी व्हाइट 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 देखते रहते, इसलिए मैंने मंगाए, पता नहीं कैसे है, मुझे तो अच्छे लगे थे, अभी भी अच्छे लग रहे हैं, पर पता नहीं उन्हें पसंद आते हैं नहीं। सो यस, दीज आर हिज न्यू व्हाइट शूज, अगर वो अप्रूव करते हैं वरना वापस हो जाएंगे ऑब्वियसली, और इसी गंदे डब्बे में वापस भेजूंगी, देखना इतने पता है क्या है, अंदर फटा हुआ डब्बा किसी और का, बाहर से कोई और, वाह ऋतिक रोशन जी वाह। सो ये हो गए सारी के सारी वेक जी की शॉपिंग, एंड ये था मिंत्रा का शॉपिंग हॉल।
अब मैं दोबारा से शूट करने वाली हूँ अमेजन का शॉपिंग हॉल, और उसके बाद आपको दिखाने वाली हूँ सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑर्डर इट फॉर योर सेल्फ एंड योर हस्बैंड और भाई और पापा और वट एवर, एंड एंजॉय द फुलेस्ट। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसा लगा आपको ये हॉल नीचे लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर ये नहीं बोला था। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ किसी और धमाल के साथ, किसी और चीज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और पीपी प्रेरणा के सभी चैनल से जुड़े रहिए। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।